द स्क्वायर ऑफ द डिजिट टू डिजिट नंबर विद नॉन जीरो डिजिट इज नंबर इटसेल्फ प्रीसीडेड बाय द डिजिट सीक्वेंसेस। अब ये कह रहा है कि टू डिजिट कोई नंबर है जिनमें दोनों में कोई भी डिजिट है वो जीरो नहीं है, इसका जो स्क्वायर है वो कोई थ्री डिजिट नंबर आएगा बट सी के बाद में वो इटसेल्फ वही नंबर आ जाए, तो ऐसा इस सी की वैल्यू क्या होगी। बेसिकली देखो जब स्क्वायर कर रहा हूँ मैं तो जो लास्ट डिजिट है वो लास्ट आना चाहिए, तो चेक कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कभी भी लास्ट डिजिट आपको नंबर किसी का भी चेक करना है तो उसके लास्ट डिजिट का स्क्वायर कर लो। कितना भी बड़ा नंबर है ना, कभी भी आपसे ये यूनिट नंबर पूछ ले किसी भी स्क्वायर का तो कैसे कैलकुलेट करोगे आप स्क्वायर करने के बाद में, जो भी आपका लास्ट डिजिट होगा उसकी स्क्वायर करके चेक कर लो। जैसे यदि लास्ट डिजिट 1 है तो डेफिनेटली स्क्वायर में भी 1 आएगा, 2 है तो 4 आएगा, 3 है तो 9 आएगा, इस तरह से आएंगे। लेकिन मेरे को क्या चाहिए, सेम नंबर चाहिए, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, तो मेरे पास पॉसिबिलिटी आ गई 1 5 6। अब बाकी नंबरों को रिमूव कर दो, इन नंबरों से जो जो नंबर बन रहे हैं उनको चेक कर लो। जैसे 11 बन रहा है, 11 का स्क्वायर 121 पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये 21 की जगह पे क्या आना चाहिए, 11 आना चाहिए। 15, हाँ जी 15 के लिए 225 नहीं बन रहा, 16 के लिए 256 नहीं बन रहा, उसके बाद 21 के लिए 441 नहीं बन रहा, 25 के लिए 625 तो बन गया। ठीक है, 25 का स्क्वायर करोगे आप तो क्या आ रहा है 625, तो ये नंबर रिपीट कर गया तो सी की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। क्लियर है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी।